भाई, मैं हूँ दिव्यांश भाटिया। जैसे कि मैंने आप लोगों को शॉर्ट वीडियो में बताया था कि ये गाड़ी में विनाइल का काम हो रखा है, तो इसकी कंप्लीट वीडियो है ये, जैसे कि आप सब लोग चेकआउट कर सकते हैं। मैं बताया था ऑल फोर डोर्स में हुआ है, पहला ये, देन यहाँ, पीछे से भी दिखा देता हूँ, ये बहुत ही फिनिशिंग से किया गया है भाई। ये पावर विंडो का स्विच है, ऐसा चारों डोर में है, दोनों ही चीज विनाइल हैं, अलग अलग डिजाइन की, और कम्प्लीटली भाई कम्प्लीटली पूरा का पूरा, मतलब जो है ना टेक्सचर उसका चेंज हो चुका। पहले बहुत ही सिंपल फीकी फीकी दिखती थी, अब बढ़िया दिखती है। ये तो हो गया चार डोर्स का, इसके बाद अंदर चलते हैं। स्टेयरिंग व्हील कुछ बदला बदला दिख रहा है, ये पहले पूरा प्लेन हुआ करता था, ये और ये वाला, ये दो डिफरेंट कलर के हैं, ये डिफरेंट कलर का है, ऐसे वाले ख़त्म हो गए थे इसलिए ये कलर हमने लगवाए। और उसके बाद ये फ्रंट डैशबोर्ड, भाई साहब मतलब कम्प्लीटली लुक चेंज हो चुकी है गाड़ी की, एकदम प्रीमियम लुक आ रही है। आप सभी को रिकमेंड करूँगा, अगर आप लोग की गाड़ी एकदम प्लेन दिखती है तो आप लोग इसको करवा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है ये, जितना भी आता है लुक बहुत ही चेंज कर देता है, वैल्यू फॉर मनी लगा मुझे तो। ये वाले स्विच में इसलिए नहीं कराया हूँ, यहाँ पे उसको कॉम्प्लिकेशन जा रही थी, थोड़ा बोल रहा था काटने में दिक्कत जाएगी भैया, मैंने बोला भाई रहने दे, दिखता भी नहीं है यहाँ तो, ड्राइवर बैठता है सर। ये बहुत अच्छा लगता है, ये पहले प्लेन था और वो सब प्लेन था पहले, लुक बहुत ही बढ़िया हो गई है। आप सभी को रिकमेंड करूँगा, अगर कोई भी पार्ट आपकी गाड़ी में ऐसा है जो आप लोगों को प्लेन लगे, वो तो भाई यहाँ पे भी लगाने को बोल रहे थे, मैंने उनको मना किया, ये ग्लॉसी ही अच्छा लगता है, पियानो फिनिश जिसको बोलती है होंडा वाले। तो भाई कमेंट करके बताना है कैसा लग रहा है, और पर्टिकुलर मैं इसके बाद एसेसरी की वीडियो लाने वाला हूँ होंडा अमेज की, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।